once again another new episode. Today I am going to share with you another interesting recipe. ये फिश का नाम है बांगड़ा. ओके फ्रेंड्स, मैंने ये अच्छी तरह से पानी से धो लिया है, फ्रेश वाटर से. कुछ और करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीडियर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. देखिए, मैंने नाइफ को शार्प कर लिया है और मिडिल में मैं कैसे कट कर रही हूँ. ये कट यूजुअली हम क्यों करते हैं, तो जो मसाला हमको लगाना है फिश के ऊपर वो अच्छी तरह से अंदर चला जाना चाहिए. This is bangra fish. Today this is another new recipe that I'm sharing with my friends. Go and clean your room. Go. Okay. Good girl. तो मैंने सब मछली में ऐसा करके फटाफट कट कर लिया है. मिडिल से अगर आप 2-3 कट करोगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से मसाला घुस जाएगा. बेसिकली ये रेसिपी जो भी है मसाला के ऊपर ही है. तो मैं जल्दी करके आपको दिखा देती हूँ कौन कौन मसाला मुझे चाहिए. ऐसा एक आप स्पून ले सकते हो. पहले मैं ऐड करती हूँ 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, 1 teaspoon ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर, मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon ऑफ जीरा पाउडर, उसके साथ मैं थोड़ा मस्टर्ड ऑयल भी ऐड करूँगी. अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है आप रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो. जो भी ऑयल आप खाते हो वही आप प्रेफर कर सकते हो. ये ऑयल लगाने में एक ही बेनिफिट है कि सब मसाला अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है और सब मसाला अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है मछली के ऊपर. अभी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट दे रही हूँ ऐसा 1 teaspoon, बट आई एम एडिंग अनदर मोर, तो 2 teaspoon टोटल. अभी अपने हाथ से आपको अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना पड़ेगा. आप जितना अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे उतना अच्छी तरह से उसको टेस्ट आएगा. बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मछली में बहुत सारा कांटा होता है, आपको हाथ को ना चुभे. मैंने ये अच्छी तरह से सब जगह में ब्लेंड कर लिया है. कुछ कुछ फिश में बाकी है थोड़ा मसाला लगाने को. अच्छी तरह से लगा लीजिए ये मसाला. जितना अच्छी तरह से ये मसाला अंदर घुस जाएगा फिश के अंदर उतना अच्छी तरह से उसका टेस्ट आएगा. ये कंप्लीट हो गया थोड़ा. ओके, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी. ये है विनीगर. ये विनीगर जो यूजुअली हम लोग चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं, तो एक स्पून ले लीजिए मेजरमेंट के लिए. मैंने थोड़ा ही दिया है, 1/2 teaspoon. मुझे लगता है और थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और थोड़ा ले लेते हैं. अगर आपके पास लेमन नहीं हो तो ज़रूर आप ये यूज़ कीजिए. ये बहुत अच्छा सप्लीमेंटरी है. अभी ये है एक पकोड़ा. आप प्रॉन का जो इंस्टेंट पकोड़ा होता है फ्राई करने का, उसका एक मसाला है, वो इंस्टेंट मिलता है, तो वो मसाला भी मैं ऐड कर देती हूँ. इससे आपका कलर ऐड होगा, टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर आपके पास नहीं आप स्किप कर सकते हो. थोड़ा मैं किचन क्लीन कर लूँ, उसी बीच में आपको दिखा देती हूँ. कुछ कुछ सामान मुझे कट करना है, जैसे मैंने लेमन थोड़ा ऐसा कट कर लिया गार्निश के लिए.
रेड ग्रीन चिली मुझे चाहिए, तो उसका ऊपर का भाग मैंने निकाल दिया है और मैं मिडिल से एक कट करूँगी। ये सब मुझे चाहिए गार्निश के लिए। एक हाफ ऑनियन चाहिए, उसको मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। ये मुझे एक सॉस बनाना है, इसके साथ ये सॉस बहुत बढ़िया जाएगा, आपको दिखा दूँगी। ये बहुत यूनिक है, बहुत सिंपल है। मुझे थोड़ा बहुत करी पत्ता चाहिए, हैंडफुल ऑफ करी पत्ता, कोरिएंडर लीव्स। बिफोर चॉपिंग इट आई हैव क्लीन इट वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर रखा है और अभी अच्छी फाइनली मैं इसको चॉप करूँगी। चलिए अभी डायरेक्ट कुकिंग में जाते हैं। एक पैन ले लीजिए ऐसा, मैं ये कुकिंग मोस्टली मस्टर्ड ऑयल में मैं करूँगी, तो मैं मस्टर्ड ऑयल पोर कर रही हूँ। अंदाज से 2 टेबलस्पून तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दीजिए। तेल को अच्छी तरह से हीटेड होना चाहिए, नहीं तो ये फिश अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा, टूट जाएगा। देखिए ये तेल अच्छी तरह से हीटेड हो गया, बबल्स आ गया है। थोड़ा हिला दीजिए तो सब तरफ से तेल लग जाएगा। स्पैचुला से तेल बहुत गर्म हो गया, मैं एक एक करके धीरे धीरे फिश को मैं वेरी केयरफुली दे रही हूँ। जितना मेरा पैन का साइज होगा, जितना उसका कैपेसिटी होगा, मैं फिश में दूंगी। अगर मसाला निकल जा रहा है तो थोड़ा स्पैचुला से देखना है प्लीज़ मुझे बताएंगे। ये आप रेसिपी एज अ स्टार्टर हिसाब से आप इंक्लूड कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है, होटल का स्टाइल का ये पूरा टेस्ट है। अभी तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन में इट इज़ नॉट गुड टू हैव एनी फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं ये सब रेसिपी इसलिए दिखाती हूँ तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी फैमिली को बना बना कर अच्छा अच्छा खाना खिलाना मैं कर सकती हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी मुझे मेरे फैमिली को अच्छा लगता है, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। मुझे मालूम है आप लोग ने बहुत जनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेनी मेनी थैंक्स। और मैं आप सबसे पूरा रिक्वेस्ट करूँगी, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली को प्लीज़ बोलिएगा मेरे चैनल को देखने के लिए पूरा और सब्सक्राइब करने के लिए। यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर माई सपोर्ट, डू सपोर्ट मी इन दिस वे, थैंक यू सो मच। चलिए फिर से हम कुकिंग की तरफ चले जाते हैं।
देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया, ऑलमोस्ट ऐसा ही अजब फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर आ जा रहा है। धीरे धीरे करके एक एक साइड आप फ्राई कीजिए। खाने में भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं और एक ठो ऐड कर देती हूँ। अगर आप ये बांगड़ा फिश अगर फ्रेश लोगे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये रेसिपी थोड़ा ड्राई है क्योंकि ये स्टार्टर्स के जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे, लेकिन इसके साथ मैं जो सॉस बनाऊंगी वो थोड़ा ग्रेवी वाला होगा, तो आराम से आप उसको डिप करके ले सकते हो। ऑलमोस्ट ये फिश अच्छी तरह से फ्राई हो गया, ब्राउनिश कलर आ गया। एक मैं प्लेन प्लेट लूँगी, उसके ऊपर थोड़ा टिश्यू पेपर लगा देते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा कुछ ऑयल हुआ तो जस्ट ऐसा करके अगर आप ले लोगे तो वो एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में सोख हो जाएगा। और मैं और एक तो सेकेंड टाइम मैं ये बाकी का फिश दे रही हूँ फ्राई करने के लिए। थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज घर पे सब लोग बोल रहे हैं जल्दी जल्दी करो, स्मेल बहुत बढ़िया आया है। अभी ये धीरे धीरे पक गया है, थोड़ा ब्राउनिश भी हो गया है, तो ये भी निकाल देते हैं। और एक था, ये है सबसे बड़ा फिश जो मैंने लास्ट में दिया है। थोड़ा और मैं तेल ऐड कर लेती हूँ और थोड़ा उसको हिला देती हूँ सो दैट अच्छी तरह से बाग पुराना तेल से नया तेल एकदम मिल जाएगा। ये फिश भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। अभी इसको मैं निकाल लूँगी और मैं थोड़ा गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। मेरा सब फिश अभी फ्राई हो गया अच्छी तरह से। अभी मैं ये पैन में सॉस को बना लूँगी, तो उसके लिए मैं पहले कोरिएंडर लीफ दे देती हूँ, करी पत्ता दे देती हूँ, रेड चिली पेपर रेड चिली दे देती हूँ, अनियन दे देती हूँ और थोड़ा जो मसाला लगा था वो प्लेट में वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से इसको कुक करते हैं। उसी बीच में थोड़ा मैं शुगर ऐड कर देती हूँ, ग्रीन चिली सॉस। अच्छी तरह से इसको एक साथ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सॉल्ट देते हैं हाफ टी स्पून, रेड चिली पेपर दे देते हैं हाफ टी स्पून, येलो टर्मरिक पाउडर दे देते हैं हाफ टी स्पून। ये है चिकन तंदूरी का मसाला, ये भी थोड़ा ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ड्राई ड्राई हो जाता है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा वार्म वाटर ऐड कर लिया है, मैं भूल गई जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करना है। ये भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद 1 teaspoon ऑफ हनी। सब एक साथ मिक्स करके ये अच्छी तरह से कुक हो गया। अभी ये बंद करके रख देते हैं, थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद मिक्सी ग्राइंडर में मैं ये पीस के आपको दिखा देती। उसी बीच में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके सैलड के लिए अनियन रिंग्स बना लेती हूँ।
आप सैलड में अनियन, ग्रीन चिली, देन लेमन, टमाटो, व्हाटएवर आपको अच्छा लगता है ये सब आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए अनियन ऐड कर देती हूँ। मैंने सैलड के लिए सब कट कर लिया है, बहुत झाग है ये अनियन का, आग से पानी निकल गया। ये सॉस थोड़ा ठंडा हो गया, मैं ये मिक्सी ग्राइंडर में देकर इसको अच्छा एक पेस्ट बना लूँगी, आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने ये बना लिया है, अभी एक स्ट्रेनर लेकर मैं ये पेस्ट कर ली हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं ये अच्छी तरह के स्टेन करके सर्विंग प्लेट में सर्व करके आपको मैं दिखाती हूँ कैसे लगता है। ये सॉस भी पूरा रेडी हो गया। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया, ऐसा करके आप डेकोरेशन भी कर सकते हो, जैसा आपका चॉइस है। मैंने थोड़ा करके दिखा दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो। बहुत इजी एंड डिलीशियस डिश है, ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा। इतना मेहनत के बाद एक सेल्फी बनता है। मैं फेसबुक में भी हूँ, इंस्टाग्राम में भी हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और फुल वीडियो देखिए। प्लीज़ डू ट्राई एट योर होम, आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस, वेरी लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स, इजीली अवेलेबल एट योर ओन होम। नाउ आई विल आल्सो ट्राई। विथ सॉस इज गोइंग वेरी नाइसली, सॉस के साथ और अच्छा हो लग रहा है। आप लोग कैसे करके सॉस प्लीज बनाइएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। सबको डिनर बहुत पसंद आया है, ये डिश भी सबको बहुत पसंद है। मेरा डॉटर, मेरा हस्बैंड ने बहुत चाव से ये खाया है, मुझे लगता है आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम कोई और ब्लॉग में मिलते हैं, बाय फॉर नाउ।